लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन जिला हमीरपुर में कुल 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसी कड़ी में बड़सर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष ठटवालिया ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सुभाष ठटवालिया ने पूर्व विधायक इंद्रदत्त लखनपाल को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए जनता का मान सम्मान बेचकर कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया, उसे इलाके की जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस की गारंटियों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास उनका पहला एजेंडा है। इलाके में जहां पर भी सुविधाओं की कमी होगी उन्हें पूरा किया जाएगा, फिर चाहे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसे पूरा करके दिखाती है। इस बात को प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने 1.25 साल के कार्यकाल में ही करके दिखाया है। अब नामांकन भर दिया, अब इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोगों में जा रहे हैं, जोर शोर से इलेक्शन लड़ेंगे, दमखम से इलेक्शन लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। किन मुद्दों को लेकर सर जनता के बीच में जाएंगे? विकास के मुद्दे हैं, सुखविंदर सुक्खू की 10 गारंटियाँ वो मेन मुद्दा है, 5 पूरी कर दी हैं, बाकी जल्दी 5 साल में पूरी कर दी जाएंगी। बिल्कुल धोखा दिया उन्होंने, पार्टी से गिरफ्तारी की, दगाबाजी की और बड़सर की जनता का मान सम्मान बेचा है, उसके लिए बड़सर की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। पहला मुद्दा स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जितने पानी का मुद्दा है बड़सर में ज़्यादा कर, तो सभी मुद्दों को लेकर सभी मुद्दों समस्याओं को हल करवाएंगे। आपको बता दें कि सुभाष ठटवालिया के नामांकन पत्र दाखिल करते समय उनके साथ पूर्व विधायक मनजीत डोगरा मौजूद रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट।